जो छीनना था वो तो छीन गया ना। हाँ ठीक कह रहे हो, तो लड़की के लिए जबरदस्ती निकाह, जबरदस्ती शादी मौत से भी बदतर है। और अगर नायला अपनी मोहब्बत दफन कर सकती है ना अपने दिल में, तो जाहिद को भी पूरी जिंदगी तनहा ही रहना है। चकूर ने उससे सारे रिश्ते तोड़ के आई, छोड़ दिया मैंने उसे। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे और नायला बीबी के किस्से में शायद भाई आपको खो देंगे। उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने कितनी कीमती शय खो दी है। वो बाकी अब तन्हा हो गए। बहन का प्यार तो खोया ही खोया, सच्ची मोहब्बत करने वाला दिल भी खो दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता शकुर, वो पत्थर दिल है मेरी माँ से भी ज्यादा। और वैसे भी मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती जिसके दिल में कोई रहम ही ना हो। दर्द तो कहीं ना कहीं हुआ होगा, अफसोस तो हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो आपको कोई फायदा नहीं। जो इंसान अपनी आना के खातिर किसी पर रहम नहीं कर सकता ना, खुदा उस पर रहम नहीं करता। आलिया बीबी, क्या आप जाहिद भाई से वाकई मोहब्बत नहीं करती? हाँ नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। देखो शकूर, मेरी बात गौर से सुन। तुम अपने साथ कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। मैं 24 घंटे तुम्हारी रखवाली नहीं कर सकती। खुदा का वास्ता, नायला के खातिर, उस बेचारी को तुम्हें बुलाने में और इस रिश्ते को निभाने में बहुत हौसले की जरूरत है। देखो मुझसे वादा करो, हाँ तुम अपने साथ ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगे। वादा करो मुझसे शकूर, मैं तुमसे बात करी, वादा करो मुझसे। जी अच्छा चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। अब विकी ही तुम्हारा शोहर। उसका घर अब तुम्हारा ही है। जैसे रखे हंसी खुशी रह लेना।